नमस्कार, मैं मानस मिश्र ऑल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस को उसका नया अध्यक्ष मिल गया है, लेकिन यह अध्यक्ष जो है वो नेशनल हेराल्ड वाला जो केस था उस तरह से मिला है। नेशनल हेराल्ड वाला केस को आपको जानते होंगे, लेकिन आज जो ये कांग्रेस का नया अध्यक्ष 2024 तक के लिए बनाया गया है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, जिस पद पर सोनिया गांधी थी उस पद पर नया व्यक्ति जो आया है उसको आपको दिखाऊंगा, और वो चेहरा है करने वाला है और वो बिल्कुल नेशनल हेराल्ड केस की तरह है। तो चलिए इस वीडियो में दिखाता हूं कौन बना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चेहरा हैरान करने वाला है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ये जो नेशनल हेराल्ड केस पर की तर्ज पर जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बना है उसको आज आप हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बताते हैं पूरी की पूरी खबर। आज बड़े दिनों की गुत्थम गुत्थे के बाद आखिर सोनिया गांधी ने वो नाम उजागर ही कर दिया जिस नाम को लेकर के कांग्रेस में बड़ी भगदड़ मची हुई थी, और कांग्रेस को लग रहा था कि नया अध्यक्ष आने पर कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक बार फिर से पूरी तरह से कांग्रेस का रिफॉर्म हो जाएगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि जो नया चेहरा था कांग्रेस का 2024 तक के लिए वो आज सोनिया गांधी ने उसका ऐलान कर दिया। लेकिन उस बीच आपको नेशनल हेराल्ड क्यों लेकर आया हूं इसमें, और नेशनल हेराल्ड वाला किस्सा क्या है, उसके तरह कैसे अध्यक्ष बनाया गया, वो थोड़ा सुनिए। नेशनल हेराल्ड, मैं दो मिनट लूंगा आपका। नेशनल हेराल्ड केस के बारे में आप जानते होंगे, जिस नेशनल हेराल्ड केस में तीन नाम थे, नेशनल हेराल्ड, एसोसिएट जनरल लिमिटेड और तीसरा यंग इंडिया लिमिटेड। नेशनल हेराल्ड एक ऐसी कंपनी थी जो पेपर आता था, आपको पता होगा, उसको लगभग 2001 की बात है कि उसे एसोसिएट जनरल लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाकर उसे बेच दिया गया था। आपको बता दूं, नेशनल हेराल्ड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, थोड़ा बारीकी से समझिएगा, नेशनल हेराल्ड के जो मालिक थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो सोनिया गांधी राहुल गांधी थी। अब सोनिया गांधी राहुल गांधी को लगता है कि नेशनल हेराल्ड नुकसान में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको बेच देते हैं। तो उनको बायर ढूंढना था कि किसे बेचा जाए, तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को एक नया बायर मिलता है, उस कंपनी का नाम होता है एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो कि नेशनल हेराल्ड के थे, वो जाते हैं एसोसिएट जनरल लिमिटेड के मालिक से और वो मुलाकात होती है और कहते हैं कि मैं आपको अपनी कंपनी बेचूंगा, और दोनों राजी हो जाते हैं। अब एसोसिएट जनरल लिमिटेड के जो मालिक होते हैं, थोड़ा समझ सुनिएगा, वो कौन होते हैं, वो होते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और वहां मोतीलाल बोहरा भी एक नाम जुड़ जाता है। तो अब यंग, जो मैं आपको बता दूं, नेशनल हेराल्ड के जो मालिक थे वो एसोसिएट जनरल के मालिक को, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल बोहरा को ये अपनी कंपनी बेच देते हैं। अब ये कंपनी किसके पास आ जाती है, ये कंपनी आ जाती है एसोसिएट जनरल लिमिटेड के पास में, और एसोसिएट जनरल लिमिटेड के मालिक कौन हो जाते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल बोहरा। कुछ दिन बाद अब ऐसा होता है कि लगता है कि ये कंपनी एसोसिएट जनरल लिमिटेड डूब रही है, तो फिर इस एसोसिएट जनरल लिमिटेड कंपनी के मालिक राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लगता है कि अब कंपनी को बेच देना चाहिए। तो फिर एक और कंपनी आती है जिसका नाम होता है यंग इंडिया लिमिटेड। अब यंग इंडिया लिमिटेड के मालिक को लगता है कि ये जो कंपनी है एसोसिएट जनरल लिमिटेड, उसको हमें खरीदना चाहिए कि शायद बड़ी हम इसको बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो एक काम करते हैं, यंग इंडिया लिमिटेड के जो मालिक होते हैं वो कांग्रेस पार्टी के पास जाते हैं, और यंग इंडिया लिमिटेड के मालिक कौन होते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो जाते हैं कांग्रेस के पास और कांग्रेस के अध्यक्ष से बात करते हैं, कहते हैं कि एक कंपनी है एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड जो कि बहुत ही ज़्यादा इस समय जिसका हालात बड़े तंगी पे हैं, लेकिन ये बहुत सस्ते में मिल रही है और हम इसको खरीद लेंगे तो हम आगे फायदे में रहेंगे, आप हमें कुछ उधार दे दीजिए। तो यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड कांग्रेस से उधार मांगती है, यंग इंडिया लिमिटेड मतलब उसके राहुल गांधी और उसके सोनिया गांधी मालिक होते हैं, और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होती हैं, सोनिया गांधी होती हैं। सोनिया गांधी से मांगते हैं पैसा, कहते हैं हमें खरीदनी है एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड। अब क्या होता है, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी क्या कहती है, कहती है तो बड़े फायदे का सौदा है, वे यंग इंडिया लिमिटेड के राहुल गांधी, सोनिया गांधी को वो पैसा सैंक्शन कर देती हैं, और वो पैसा यंग इंडिया लिमिटेड के राहुल गांधी और सोनिया गांधी जा करके एसोसिएट जनरल लिमिटेड के राहुल गांधी, सोनिया गांधी से वो कंपनी को खरीद लेते हैं। और आखिर में क्या होता है, आखिर में जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं सोनिया गांधी, वो आखिर में कहती हैं कि ये काम करते हैं, जो हमने यंग इंडिया लिमिटेड को जो लोन दिया था उस लोन को
हम माफ कर देते हैं। और आखिरी में कांग्रेस की अध्यक्षता सोनिया गांधी उस पूरे के पूरे लोन को माफ कर देती है और पूरी कंपनी को हड़प जाती है। अभी पूरी कहानी आप सुन करके सोच रहे होंगे कि मैंने क्या कहा। हो सकता है एक बार आप फिर से देखिएगा, आपको बारीकी से बताऊं, जो तीनों कंपनियों को मैंने नाम लिए थे जिसमें नेशनल हेराल्ड, एसोसिएट जनरल लिमिटेड और यंग इंडिया लिमिटेड, ये तीनों कंपनियों में मालिक कौन थे? मालिक तीनों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी ही थे। कॉमन नाम, और वही एक दूसरे के पास जाके एक दूसरे के तीसरे पर टोपी फिराते हैं और आखिर में कैसे कैसे पूरा घपला करते हैं, ऐसा होता है। और आखिर में कांग्रेस से पैसा डकार करके कंपनी का पूरा हड़प जाते हैं। यह है पूरा केस। और आखिर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या होते हैं? राजा बन जाते हैं, जो पहले भी थे नेशनल हेराल्ड में भी, लेकिन पूरा टोपी पहनाने के बाद फिर से वापस बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका कांग्रेस के अध्यक्ष से क्या लेना देना है। यह साहब सीधा लेना देना इसका कांग्रेस के अध्यक्ष नए पद से है, और वो है अब जो ऐलान हुआ है कि अब 2024 तक कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा? सोनिया गांधी होंगी। यानी कि सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी को अब नया अध्यक्ष बना दिया है, जो सोनिया गांधी पिछली बार सोनिया गांधी द्वारा ही चुनी गई थी अंतरिम अध्यक्ष, और आज फिर पूर्ण रूप से तत्काल 2024 तक के लिए सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना दिया है। बड़ा कंफ्यूजिंग केस है, एक ही नाम है और वही नाम बार बार घुमाकर आ रहा है। काफी समय के भीतर जो कांग्रेस के साथ ये नेतृत्व परिवर्तन की मांग चल रही थी उसको लेकर के आज ये बहुत बड़ा एक तरह से खुलासा हम कह सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी के बारे में आप वाकई में ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। पार्टी में चुनाव टालती रही थी, आपको याद है, इससे पहले चुनाव होंगे। अब 2024 लोकसभा चुनाव तक के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कोई बदलाव नहीं होता दिख रहा है। और हालांकि पार्टी बगावती तेवर के अपनाने वाले नेता, संगठन में हम जिम्मेदारी दी जाने वाली है, और सूत्रों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। साथ ही ऐसी संभावना है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के युवा चेहरा को संगठन जो होगा प्रमुख पदों पर उसको नियुक्त कर सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है टाइम्स नाउ के मुताबिक अगर बात करें तो अगले लोकसभा चुनाव तक सोनिया गांधी ही कांग्रेस पद की अध्यक्ष रहेंगी। यानी नीनी की नेशनल हेराल्ड वाला केस फिर से दोहराया गया है। सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी को नया अध्यक्ष बना दिया, जो सोनिया गांधी पिछली बार अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बनाया था उनको। आगे बढ़ते हैं सूत्रों के टीवी चैनल के अगर बात करें तो राहुल गांधी के कांग्रेस के अध्यक्ष रूप नियुक्त होने की संभावना नहीं है। हालांकि शीर्ष स्तर पर निर्णय लेना वहां पर जारी रखेंगे। आगामी 2024 के आम चुनाव का ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़े फेरबदल की योजना बना रहे थे, जिसमें युवा कांग्रेस के नेता और गांधी के वफादारों को पार्टी में संगठन के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। सूत्रों के माने तो पार्टी के 4 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति की उम्मीद है, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सहायता करेंगे। यानी कि वो लोग सिर्फ सहायता करेंगे, वो सिर्फ हेल्पिंग हैंड रहेंगे, PA असिस्टेंट के तौर पर काम करेंगे। बाकी जो मालिक होंगे वो राहुल गांधी सोनिया गांधी होंगे, नेशनल हेराल्ड की तरह जैसा वो तीन कंपनियों में टोपी पहनाया गया वैसे अध्यक्ष पद पर भी टोपी पहनाया जा रहा है। वहीं आपको बात करें इस समय कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो गुलाम नबी आजाद, सचिन पायलट, कुमार सैलजा, मुकुल वासनिक और रमेश चौथिल्या के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि गुलाम नबी आजाद उसी G20 थ्रू के समूह के नेता हैं जिसने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में बदलाव करने की मांग की थी। वहीं सचिन पायलट को एक वक्त अपनी बगावती तेवर दिखा चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको लिया है। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन प्रियंका गांधी की क्या भूमिका होगी इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों के माने तो प्रियंका गांधी वाड्रा को नई भूमिका के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आई। फिलहाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस की कमान संभाल रही है और वह इन मामलों को देख रही है जहां पर अगले साल चुनाव होने हैं। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के 2 साल से अधिक का समय हो गया है, और तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को चुनाव टालती रही थी और ऐसी खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी पार्टी के शीर्ष पद संभालने के लिए सहमत हो गए हैं। और वहीं 2021 में कांग्रेस के देश में कोरोना की स्थिति हलावाला देते हुए पार्टी के अध्यक्ष चुनाव को टाल दिया था। तो ये है कांग्रेस का पूरा सच। कांग्रेस जिस प्रकार से इस समय कर रही है वो सबके सामने है। लेकिन साहब 2019 के चुनाव के बाद राहुल गांधी को मनाते रहे और राहुल गांधी नहीं माने, लेकिन फिर से नेशनल हेराल्ड Part 2 यहाँ पर हो गया और नेशनल हेराल्ड, यंग इंडिया लिमिटेड और जो आपने बताया हमने तीन नाम जुड़ाए थे वो सारे फिर से दोहरा दिए गए और एक दूसरे को टोपी पहना के अंतरिम रूप नया अध्यक्ष का चेहरा
आपको मिल गया कांग्रेस पार्टी को। अब कांग्रेस को मुबारक हो उनका नया चेहरा, नया पार्टी का अध्यक्ष, और सोनिया गांधी को मुबारक हो उनके नया पद अध्यक्ष का, जो कि पिछले कई वर्षों से अपने आप को उन्होंने घोषित कर रखता है। और कहते हैं लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है कि एक पार्टी के एक परिवार के व्यक्ति को अध्यक्ष और हर पदों पर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।